So welcome to Bus Kar Do Bus Returns, powered by Pepsi. अरे रमजान चल रहे हैं, अफ्तारियां हो रही हैं और मैं बहुत सारे दोस्तों को कहूंगा कि भाइयों अफ्तार को अफ्तार समझ के खाओ, वलीमे की दावत समझ के नहीं। अरे जब किसी दोस्त को अफ्तारी में बुला लो तो वो ऐसे खाता है कि बस हला लला लला। ये गांव के लोग जो होते हैं ये बड़े ही मासूम लोग होते हैं। रमजानों में मौलवी साहब ने एक देहाती से कहा कि भाईजान रमजान में कोई भी आप दुआ करोगे ना अफ्तारी के टाइम पे वो कबूल हो जाएगी। तो पहले ही रोजे में अफ्तारी में दुआ की, अल्लाह मियां कल ईद हो जाए। वैसे एक बात है, आदमी चाहे जितना बड़ा हो, लैंड क्रूजर प्राडो से आ रहा हो, रमजान में अफ्तारी के वक्त बेगम जरूर करिए। सुनिए आते हुए थई दे आइएगा। वैसे कभी अगर शादी से उदास हो, आप बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, तो टेंशन मत लें, अपनी शादी की वीडियो रिवाइंड करके देखें कैसे आपकी बेगम गाड़ी से उतरेगी, आपको लुक कराएगी, घर वाले आंसू पोंछेंगे, रिंग आपको वापस करेगी और घर के अंदर चली जाएगी। मेरा एक दोस्त अपने दांतों का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन आया, उसके सामने के दो दांत टूटे हुए। मैंने कहा मुश्ताक तू तो अपने दांतों का बहुत ख्याल रखता था यार, ये दांत कैसे टूट गए? कह रहा यार एक दिन बात करने में तेरी भाभी से एहतियात नहीं किया। शौहर ने अपनी बेगम को ना एक दफा च्युइंगम खरीद के दिया। बेगम ने बोला जानू आप च्युइंगम क्यों नहीं खा रहे? शौहर बोला मैं तो वैसे ही खामोश रहता हूँ यार। आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं यार। स्कूल में टीचर ने पूछा बेटा पिंकू, यस मिस, सेंटीमीटर में से मीटर निकाल के दिखा। मिस सी निकाल दे मीटर रह जाएगा। आजकल की मोहब्बत भी क्या मोहब्बत यार, मोहब्बत तो होती थी पहले जमाने में। ओए 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 ओए, लड़का सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती जैसा होना चाहिए, नहीं भी हुआ तो रुमाल बांध के मोटा वाला जूता पहन के यूं खड़ा रहता। लड़की फिदा हो गई, आंख मिली, 4 साल 6 साल बाद कहीं बात हुई, 10 साल बाद लड़की की अलग शादी हो गई, लड़के की अलग। लेकिन आज की मोहब्बत तन मन धन से होती है, दौलत शौहरत इज्जत से होती है, शक्ल वकल तो कोई बात नहीं, आने जाने वाली चीज है। एक लड़की की सालगिरह, उसने अपने महबूब से कहा जानू आप मुझे आज सालगिरह में क्या तोहफा देंगे? लड़के ने कहा वो देख रहे हो लाल रंग की गाड़ी, वो लाल रंग की गाड़ी आप मुझे देंगे? कह रही नहीं उस कलर की नेल पॉलिश दूंगा। ब्रेकअप हो गया भाई। अच्छा जी दोस्तों यार, इतने सारे जोक्स में मैं चिट्ठी का जिक्र करना ही भूल गया। चिट्ठी पढ़े फिर। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। हाँ जी वही हूँ। आज पहली दफा में बंद हो गया। ओके चिट्ठी, चिट्ठी वाला सेगमेंट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें आप लोग अपने दिल की बात करते हैं। आज की चिट्ठी हमें सलमा ने लिखी है कराची से। कहती है दानिश भाई मेरा मंगेतर बहुत शक्की है। शक्की मंगेतर फोन पर मेरे मैसेज चेक करता है और मुझे मेरे कजन से मिलने पे भी रोकता है। कजन से मिलने में क्या बुराई है, चाचा का बेटा तो अच्छा लगता ही है। अच्छा जी प्लीज कोई मशवरा दें कि उसकी आदत बदल जाए। सलमा मेरा ख्याल से कि मंगेतर की आदत बदलने के बजाय मंगेतर ही बदल दो, क्योंकि भाई ये शक का कोई इलाज नहीं है। शक एक बार हो गया ना फिर निकलता नहीं है, चाहे बंदा ही निकल जाए। लेकिन शक की आदमी से शादी करने से बेहतर है कि शादी की ना जाए, मतलब पूरी जिंदगी के रोने से बेहतर है कि आज पूरी रात रो लो। और वैसे भी सलमा आपको लड़कों की क्या कमी, वो गाने सुना सलमा पे दिल आ गया। अरे यार ऐसी एक लाइन बोल दी, तुम लोग तो पूरा म्यूजिक चला देते हो यार, तो मैं क्या सिंगर हूँ? लेकिन दोस्तों सिंगर से याद आया कि आज हमारे शो में ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ओए ओए ओए, जो गाना भी गा सकते हैं और अदाकारी भी कर सकते हैं, लेकिन हैं वो आपके फेवरेट क्योंकि उनके ड्रामे आते हैं या उनके शोज आते हैं तो आप लोग बहुत ही ज्यादा शौक से देखते हैं। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं बस कर दो बस रिटर्न्स में ब्रेक के बाद। Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू बस कर दो बस रिटर्न्स पावर्ड बाय पेप्सी। आज
आज जिस गेस्ट को हम बुला रहे हैं, ओए होए, बल्कि एक नहीं दोनों गेस्ट कमाल के गेस्ट थे। मतलब कहते हैं कि टैलेंट की नदियां बह रही हैं भाई। एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग का पता नहीं यार, अभी बुला के करवा दूं। मन के मोती आपने ड्रामा दिखा होगा यार, वो ऐसा सुपर्ब एक्टिंग उसमें की। उसके बाद एक्सप्रेस में चला था रंगबाज, और थोड़े से वक्त में इतनी ज्यादा मतलब मशहूरी हासिल कर ली, हर कोई जानता है। सैड भी होती है तो कमाल होती हैं, और जब मुस्कुराती हैं हंसती हैं तो बहुत है। तो आप लोगों की और मेरी भरपूर तालियों में आ रही हैं यासरा रिज़वी, कम ऑन। क्या यार, बंदा थोड़ा बहुत यूं कर ही लेता है। तुम लोग शुरू क्या करना? कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि क्लब माहौल है इतना, मैं और कपड़े पहन के। रमजान में ऐसी लड़कियां जब बाहर आती हैं, लोग कहते हैं अबे आज रोजा क्यों रख लिया। तो आप शॉपिंग करने अपनी खुद जाती हैं किसी को भेजती हैं? यार मैं बिल्कुल शॉपिंग का शौक नहीं है, मेरे कपड़ों से नहीं पता चलता। ये भी दोस्त का कुर्ता। लड़की शॉपिंग नहीं कर रही, इसका मतलब सुगढ़ किफायत चार और बहुत सारे पैसे जमा किए होंगे। तो ये जो हरकत फिल्म्स में जो फिल्म बन रही है, वो आपकी ही फाइनेंस की हुई फिल्म होगी? एक तो उसका नाम हरकत पिक्चर्स है, मोशन पिक्चर से हरकत पिक्चर। मुझे क्या पता है यार, मैंने कौन सा ऐसा काम किया? मैं भी फिल्म्स का था। अच्छा, फिल्म्स का था। हाँ। असल में क्या है कि हम लोग तो फिल्म्स के लोग हैं ना। मेरे का बड़े बड़े लोग ये कुछ भी कहते नहीं, ऐसी बात नहीं, आप मुझे दोबारा बोल देती कि मैं उसको सही कर देता। नहीं, मेरी का ऐसी मिजाज मेरे बुरी लगती। तो वो सेंटी और मेंटी, मेंटल सेंटी और मेंटल, मेंटल होगी आप मुझे भी। अच्छा, फिल्म का नाम है जी सेंटी और मेंटल। यार मुझे दोबारा करते हैं यार पूरा शो, हमें तो कुछ पता ही नहीं इनके बारे में। नहीं नहीं भाई जान, हमारे साथ एक और बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट मौजूद है जो इस वक्त सामने घूर घूर के हमें देख रहा है, और वो काफी टैलेंटेड है। आप लोगों ने बेसिकली मुझे ओवर शैडो करने के लिए इतने टैलेंटेड गेस्ट को मेरे साथ बुला दिया, ये भी एक बेस्ट। ऐसी बात नहीं है, आपको ओवर शैडो करने के लिए नहीं बुलाया किसी को, मतलब आपकी एक अपनी खूबसूरत सी पर्सनैलिटी और उनकी भी एक बड़ी दबंग पर्सनैलिटी। लेकिन वो भी आपकी तरह बहुत अच्छे एक्टर हैं, सिंगर हैं, होस्ट हैं, रेफ्रिजरेटर, अच्छे इंसान है। हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती, हमने बहुत ज्यादा काम एक साथ किया और कई दफा एक दूसरे का काम भी कर दिया। आप लोगों की दोस्तों, आप लोग समझ गए? नहीं समझे, चले ना समझे, अभी हम उनको बुलाते हैं, दीवान एंड ओनली नदीम जाफरे। एक बार तो पक्की हो गई, हमें चमेली खेलने नहीं आता, बाकी नहीं आता। लेकिन अब एक बार, एक दो तीन चार, आपको नहीं आता है? आपको आता है? नहीं आता। आता हल्का हाथ मारूंगा। वन टू एक्शन। नहीं आता, सिर्फ मैं कर सकता हूं। अच्छा, मुझे देखा था, मुझे अब दूर दूर से छू रहा था, तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। शरीफ तो मैं हूँ, आप प्लीज बैठे सर। मैं खड़ी हूँ। हाँ जी, क्या हाल है? जबरदस्त नदीम भाई, रमजान में क्या हो रहा है? रोजे रोजे, क्या बात करें यार। यार हम लोग तो देखे, ये जो रोजे 30 होते हैं ना, ये तो एक साल में 30 रोजे होते हैं, तो हमने 300 साल खाया है। अरे यार, हमारी पोजीशन तो ऐसी, हम किसी दावत में जाते हैं, लोग कहते हैं अरे खाना खा के क्यों आए यार। नहीं भाई, लगे सर है हम आप लोगों की। हाँ, हम लोगों की। आप तो बिल्कुल अच्छा, इसने बिल्कुल चेंज किया है, बहुत ज्यादा है एकदम। दो लोगों ने चेंज किया है। मैं अभी मेकअप रूम में एक साहब से मिला, आमिर शाह नाम होता है उनका, और उनको देखे मैं पहचाना नहीं क्यों यार, और मैं अंदर ही अंदर कूद रहा था कि सब दुबले हो गए मेरे पीछे। मैं क्यों, मैं तो भाई 100 करोड़ की हीरोइन हूँ। 100 करोड़ की हीरोइन, 100 करोड़ का बिजनेस, जो मार्केट का पोटेंशियल नहीं है, मैंने सोचा है वो बिजनेस करें। वाह, अच्छा फिर आप इतनी बड़ी बिजनेस मैन है, मुझे बताएं 2+2=5 कैसे हो सकता है? होशियारी से। होशियारी से नहीं,
अपनी तरफ से डाल दो होशियारी से। अरे गलती से हो सकते हैं यार। गलती से नहीं हो सकते, होशियारी से हो सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताया ऐसी कौन सी चीज है जिसकी बताइए ना, आजकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है और काफी एडवांस चीज है, आपको पता है वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप दीवार के आर पार देख सकते? मुझसे ना हो पाएगा। किससे? क्योंकि आजकल दीवार में छेद करिए, खिड़की से यार। यार जाने ये यार, ये तो मेरा जवाब बिल्कुल सही था भाई। नहीं, मेरा जवाब बिल्कुल सही था। दीवार में छेद करेंगे आप तभी तो खिड़की बनेगी, छेद के बगैर खिड़की कहाँ से आ जाएगी? दीवार में छेद किया तो खिड़की आएगी ना। अच्छा बताएं, चाइना में चाइनीज ये वाली उंगली इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ऐसी तो कोई बात नहीं सुनी मैंने कभी। उनको समझाना चाइनीज है। नहीं नहीं, मतलब क्यों नहीं इस्तेमाल करते ये वाली उंगली? अबे क्योंकि ये मेरी उंगली है यार। बस कर दो नारे, बस कर दो यार, बस कर दो। अच्छा वो कौन सी ऐसी चीज है जो रहती तो खड़ी हुई है लेकिन चलती रहती है? घड़ी। तो खड़ी हुई है, एक ही जगह रहती है। घड़ी। घड़ी। बहुत आला। इंटेलिजेंट फील कर रही हूँ मैं एकदम से। अच्छा वो कौन सी चीज है जो रोशनी में नजर नहीं आती? अंधेरा। तालियां। तुक्का लग गया मुसलमान का। ऐसा हुआ सीरियसली, लेम था ये तो बहुत। बाकी अच्छा फिर अब आगे अच्छा सवाल। अच्छा अच्छा, ऐसी कौन सी चीजें जो है तो छोटी सी लेकिन बड़े बड़े लोग उसके इशारे पर चलें? ये अब मुश्किल है बॉस, बताएं। बिरयानी की जो छोटी सी है लेकिन बड़े बड़े लोग उसके इशारे पर नाचते हैं। हाँ I swear, बिरयानी की प्लेट, बिहारी की प्लेट, चिकन टिक्का। इशारे पे, इशारे पे, इशारे पे जोर है। हाय बिरयानी की प्लेट, इशारा भी। बिरयानी, तुम इतनी डाइट करी हो, बिरयानी बिरयानी आई। तो ये तो खाना तो पसंद है ना मुझे फिर भी। तो फिर मंगा लें, क्योंकि देखो हमारा शो है आफ्टर 10, यू नो, तो उसमें आप कुछ भी खा सकते हैं। कोई आफ्टर 10 ही नहीं खाना होता भाई। अच्छा हाँ यस, लेकिन सवाल का जवाब दे पहले फिर। अच्छा हाँ, वो है छोटी सी चीज, छोटी सी। पहले मैं बता दूँ, रिमोट कंट्रोल। मैंने बोला था लेकिन श्योर नहीं था। हाँ मगर मैंने इससे मैं जो लाइफ लाइन ली थी वो गलत थी। मैंने इनको बेरारूबी का शिकार कर दिया है ना, मेरे पे डाल दे काफी देर से। अच्छा वो क्या चीज है जो खुद नहीं रोती लेकिन बाकी लोगों को रुलाती है? कम ऑन, प्यार। प्यार। ये यासरा जो बता रही है वो सही हो रहा है और नदीम जाफरी जो बता रहे हैं उसको मान नहीं रहा। अच्छा ये पुरानी आदत है तुम्हारी। इसके एंड में कोई तोहफा है? इससे कोई तोहफा भी? ये तो ऐसे बम बम कर रहे थे, गेम होगा। आपके तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अगर उस दौर में तुमने ये काम आजमा लिया होता तो कहीं पढ़ लिख के जवान हो गई बड़ी होती। मतलब कोई अच्छा टेस्ट दे दिया होता। मैंने दो दो मुल्कों से पढ़ाई की है नदीम, लेकिन ऐसे जवाब आए नहीं। इसलिए जवाब अच्छे दे रही है। मैंने तो बिजनेस पढ़ा हुआ है वगैरह से। बातें हो रही है बड़ी मजे मजे की बातें हो रही है। अभी अब हम गेम की तरफ बढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, जाना तो जाए यार। छोटे ब्रेक के बाद बस कर दो बस, रिटर्न्स में पावर बार पेप्सी। वेलकम बैक एवरीबॉडी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने दो दो टैलेंटेड लोग बैठे हैं और दोनों आप भी गाने वाने गाती हैं? नहीं नहीं, मैं गाना नहीं गाती। क्यों यार, मैंने सुना है वैसे आप ऐसे गुनगुनाती हैं यार। क्योंकि गाना एक बहुत मुश्किल काम है और मेरे ख्याल में किसी पब्लिक फोरम में किसी ऐसे बंदे को गाना अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए जिसके पास स्किल ना हो, आवाज ना हो, नॉलेज ना हो। इट्स अ डिफिकल्ट म्यूजिक ना और माइक ना, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो ना आता ना आता। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपके जैसे आपने मतलब एक्टिंग में आपने कदम रखा तो फैमिली में कोई था? नहीं, मेरे फैमिली में किसी ने अदाकारी का प्रोफेशन नहीं। और मतलब तो फिर ये कैसे आना हुआ, क्योंकि लड़कियों को तो काफ़ी रोका जाता है और उसके अलावा भी एक मुश्किल टास्क है, कैसे? अरे मैं मेरे पेरेंट्स, क्योंकि एक्टिंग बहुत पेशेंस का काम है, मैंने देखा है कि वो वैसे। अच्छा ये जो रोकने वाली बात है जहाँ तक, तो वो तो बहुत ही चिल्ड आउट लोग हैं मेरे वालदैन, तो उनको लोग फोन करके कहते हैं कि आपने इसको पहले क्यों नहीं करने दिया। वो कहते हैं हमने कौन सा को मना किया था पहले, मैं बताइए ना। जब इसकी मर्जी थी इसने कर लिया, तो बस ये खुद ही सिलसिले बन गया। थिएटर शुरू किया इस्लामाबाद में, तो उससे फिर एक्टिंग का भी सिलसिला बन गया। और माशाल्लाह ऐसी एक्टिंग की कि सबको हिला के रख दिया,
और मतलब हम जब आपको कभी देखते हैं ड्रामों में और रोने धोने वाला सीन होता तो हमारे भी आते हैं। हाँ, रोने धोने में मैं बहुत पॉपुलर हूँ। क्यों वजह? सारी लड़कियाँ वैसे तो घर पर तो सारी लड़कियाँ रोती रहती हैं, लेकिन ये कि टीवी तक आने और इसीलिए लोग पसंद भी करते हैं औरतों को, मतलब रेटिंग। घर पे नहीं मैं रोती होती, मैं बहुत ही जंग जो घर पे रोने वाली औरतें वही तो आप लोग देखते हैं। मतलब दानिश को रोने वाली औरतें पसंद है? नहीं नहीं नहीं, बात तो ये निकल के हंसने वाली और हंसाने वाली। अच्छा, यानी ये मुझे पसंद है इसलिए मैं। आपने इनको पसंद किया या नहीं किया? आपने कहा ज्यादातर औरतें वो पसंद की जाती हैं जो घर पे रो रही हैं। आप औरतों को नहीं देखें, इसका मतलब ये है जो औरतें रोती हैं ना वो दिल से बहुत मासूम हैं। हाय, वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाती तो उनकी आंखों से उनके जज्बात। और जो इतना हा हा करके हंसती हैं वो मासूम नहीं होती? नहीं, वो भी बड़ी मासूम होती है। अच्छा, मासूमियत का ताल्लुक बेसिकली ना रोने से है, देखो जरा, हंसने से। ठीक है, किससे? जो मासूम होता है वो नजर आ जाता है और जो कमीना होता है वो नजर आ जाता है। वाह, देख ले। मासूम और कमीने का जो आपने अब गेस करेंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कोई नज़म हो जाए, चले आज आज कोई संजीदा नज़म आज हम सुनते हैं या संजीदा? तो हाँ, शायरी तो थोड़ी मेरी संजीदा ही होती है, लेकिन एक ब्रीफ सी नज़म है क्योंकि ये शो जरा कोई और नौयत का है। ये क्या आप बहुत देर से कह रही हैं? बात मैं जानना चाहूंगा। क्या नीचे आप मेकअप रूम से कह रही हैं कि ये शो किसी और नौयत का है? यहाँ आपने कहा वाओ मैन, ये तो ये बहुत इस तरह का ही शो है ना, ये टाइप। और मैं तो नज़म, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन टीम है उनका भी इसरार है और मुझे मेरा इनसे एक अच्छा प्यार का रिश्ता है, पसंद करते हैं मेरी शायरी को। और शायर आपको पता है बहुत कैसा रिश्ता है? बहुत अच्छा, मुझे बहुत, इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो हम बहुत पुराने दोस्त हैं, दानिश नवाज साल में एक दफा मिले, अच्छी दोस्ती का, अच्छी दोस्ती का राज यही है। इससे इसी दोस्ती पे मैं एक नज़्म कहती हूँ जी। दोस्ती ऐसा नाता, क्या हम दोनों फिर से वो पहले वाले हो पाएंगे, वो मैं वो तुम जो हमसे पहले होते थे, क्या वो वापस आ जाएंगे? आपने खुद लिखी है दोनों दफा? माशाल्लाह, आप शुरू से जो काम कर रही हैं वो शायर शायरी है। सबसे पहला आर्ट फॉर्म जो मैंने पिक किया था 7 साल की उम्र में वो शायरी। ओ जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो फिर तो आप छोटा नहीं सुनाना चाहिए था। बड़ी लंबी लंबी नज़में पढ़ी हुई मैंने यहाँ इनके शोज। चले आए गेम खेलते हैं क्या आज? यही से आइए, चले एक गेम हो जाए। और क्या भाई, अगर आप चाहें तो आप आ जाएं। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पूछ लिया। रेड और ब्लू, ब्लू फॉर बॉय रेड फॉर गर्ल, खवातीन को रुला दिया, रेड कर दिया। अच्छा जल्दी, पहले क्या ढूंढना है? अच्छा जी, पहले ढूंढना है आपने, मैं चूंकि इनको गेम समझा चुका हूँ, मैं आपको भी थोड़ा सा बता दूँ। इस गेम का नाम है छुपन छुपाई। छुपाई तो इसमें कुछ चीजें छुपी हुई हैं जो कि आपने ढूंढनी है। सबसे पहले बताएं शूज का छुपा? जूते, शूज, जूता, जूता, एक जूता, 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 एक जूता, एक जूता। जी हाँ नाजरीन, एक जूता कभी कभी भारी पड़ जाता है जी भाई। तो इतना कुछ ऑब्वियस है और जूता ही नहीं है कहीं भाई। यार मैं यहाँ आऊंगा जरा, थोड़े से जूते जो है ना वो ऐसा जूता, उस तरह का एक जूता है। ऊपर भी देखे जूते नीचे नहीं होते, कभी कभी ऊपर भी होते। जूता ऊपर क्या कर रहा है? मैं थोड़ा इधर आ जाऊंगा, थोड़ा इधर। अच्छा चूहा पता है किसी को कहा है? कम ऑन चूहा जी, कम ऑन यात्रा, चूहा जी नदी भाई, चूहा 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 चूहा, कम ऑन, ये नहीं नहीं ये चूहा नहीं है, कम ऑन। एक मिनट मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे लग रहा है। आई आई आई, ये ये ये, वाह, कुल्हाड़ी का है, कुल्हाड़ी, यस जल्दी कुल्हाड़ी यार, मिल गई। नदीम के पास थी इसलिए नदीम को पास। हड्डी का है, हड्डी, चलो जी बोन काम, चलो योर टर्न, पाना है ये तो हड्डी। ओके ओके, छक्का, डाइस, यार
बता दिया। डायनासोर का है, डायनासोर ये रैकेट क्या मतलब? हाँ तुम्हारा ही है, नजर नहीं आ रहा कुछ बड़ा बड़ा। रैकेट रैकेट का है, रैकेट 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 रैकेट, मैं ढूंढूंगी रैकेट रैकेट। नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, रैकेट ही है ना। और नहीं, और क्या है? ये है रैकेट, ये रहा। यार ये एक मिनट काट दें। लॉबस्टर का है, लॉबस्टर ये रहा, ये रैकेट। लॉबस्टर दिखता कैसा है? लॉबस्टर ये ओके। ताज क्राउन। यार नदीम भाई पे भी खुशी का मजा है यार। सतेला हूँ यार मैं, क्या यार ये क्या है बता। ओके बस खत्म होने को है। सांप 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 या सांप, ये रहा ये डड्डू का है। डड्डू डड्डू कम ऑन फ्रॉग। लास्ट ये तो टर्टल है। कम ऑन ये तालियां जी। और इसी के साथ आज का विनर कौन हुआ जरा बताएं। अब ये इस पे तो नजर भी नहीं आ रहा कौन से लाल। मैं इसे तो मैं कह रहा था कि डबल कर दो। 5 यासरा और नदीम भाई के 4। एक दो तीन चार पांच। कौन से? एक दो नहीं, वो रैकेट काउंट नहीं होता। नहीं है बना दिया ना रैकेट। अच्छा ये क्या बात हुई, रैकेट नहीं था। अच्छा एक दो तीन चार पांच। मैंने बताया था ये रैकेट, मैंने इसका फैसला बहुत शदीद होगा, ज्यूरी के साथ होगा, इसलिए आप लोग लीजिए यहाँ पे छोटा सा ब्रेक। बस मिलते हैं ब्रेक के बाद। Everybody, बस कर दो बस returns, powered by Pepsi. आए, 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 आए. एक शो में जब दो दोस्त बैठे हुए हों, यानी कि मैं और आप तीनों, हम तीनों. यार एक मुल्क था, टर्की. टर्की. वहाँ से तो वो भी नहीं आया. अभी मैं दूसरे से पहले गया था. गए थे ना. तो जब बैठे हों तो आपस में बातचीत करने का काफी मजा आता है. तो हम लोग काफी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन गेमों के पर्चे हाथ में, थोड़ा गेम शेम खेलने का क्या ख्याल है? अच्छा जी, अब हम एक गेम खेलने लगे हैं, उस गेम का नाम है मुनासिब कर लो। मैं आपसे एक सवाल करूंगा और आप लोगों ने उसका फिर जवाब देना है परसेंटेज के हवाले से। देखते हैं कौन जीतता है। जो जीतेगा उसको बादशाह सलामत अशरफिया देगा। तो आप लोग तैयार हैं? सवाल है जी, कितने फीसद मर्द सड़क पे पान की पीक थूकते हैं? जी 40 से 90 के दरमियान आप लोग जवाब दे सकते हैं। 40 फीसद से 90 फीसद के दरमियान आप लोग जवाब दे सकते हैं। हमें एक नंबर परसेंट, एक नंबर, हाँ परसेंटेज बता। 50%। आप कह रहे हैं 50%, पक्की बात? ब्लॉक करें। जी यात्रा 60 फीसद। एक मतलब मुनासिब कर रहे हैं जरा। ओके 50-60। चलिए जी स्क्रीन पे दिखाएं कि किसका जवाब दुरुस्त है। यस 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 60 कम ऑन नदीम भाई। 50 यात्रा जीत गई। यार मैंने ना इतनी पीके जो आपको नजर आती है ना, उससे अंदाजा लगाया कि 60-40 का तो गेड़ा है। अच्छा मुझे ये लगा बादशाह सलामत पहुंच गए और अब आप अशरफिया दीजिए।
चॉकलेट है? नहीं अभी है आगे भाई, शेयर क्या उसको आप जमा करें आखिर में, आखिर में करेंगे आगे, विन करेगा भाई। अच्छा जी नेक्स्ट सवाल। हाँ जी, क्या कितने फीसद लोग मस्जिद में पुरानी चप्पल पहन के जाते हैं? 50 से 100% के दरमियान जवाब जी। 90%। 90% लोग, पक्की बात है? सोच ले, टाइम है अभी जी। यासरा कितने फीसद लोग मस्जिद में पुरानी चप्पल पहन के जाते हैं 50 से 100 के दरमियान? आप 100%। 100%, 90। 90 थोड़ा मुनासिब कर लें। 100, 90। दिखाएं जी हमारी स्क्रीन इस वक्त क्या कहती है। 90 भाई जी, 74 और 90 बहुत दूर का अंदाजा, लेकिन आप दोनों में से आप विनर हैं जी। तालियां, म्यूजिक पुराना। जी हाय हाय हाय, नेक्स्ट सवाल की तरफ आए। बस मेरे ख्याल में 2-4 साल तक हमें काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान में कितने फीसद घरों में हफ्ते में 2 दफा दाल चावल जरूर पकती है? पाकिस्तान में कितने फीसद घरों में दाल चावल हफ्ते में 2 बार जरूर बनती है? आप बताए कितने फीसद, 2 बार कितने फीसद बनती है? 50 से 90 के दरमियान आप जवाब दे सकते। 80%। 80, 90, 90 मुनासिब कर रहा हूँ, देख नहीं रहा मैं। 80%, 90 दिखाए जी हमारी स्क्रीन पे। दो नौ का तीन, नौ का तीन, नौ का तीन, नौ, 90, 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
सारे मेरी फिल्म की फाइनेंसिंग तो हो गई। तो हमें कास्ट भी कर ले नदीम भाई को, नदीम भाई को भाई के रोल में ले ले और मुझे अब तो मैं शायद एल पचीनो को भी बुला सकती हूँ। अच्छा जी, कितने फीसद मर्दों को खवातीन के लंबे बाल पसंद हैं? 30-70% दरमियान दे सकता हूँ जवाब। 30-70 जी, कितने फीसद मर्दों को खवातीन के 65% लंबे बाल 65% जी। यासरा 30-70 है। 30-70 है हाँ। 60% 60 हाँ। थोड़ा मुनासिब कर लें। 65 और आप 65 मेरा भाई। 65 है मेरा भाई। आइए जी स्क्रीन पे देखते हैं मेरे भाई के किसका जवाब दुरुस्त है। कम ऑन यार, मेनू चेंज करते हैं। I am a disco dancer, pa pa pa. I am a disco dancer, da da da. Zindagi mera gaana. Come on, come on. Besar, 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 besar. बहुत आला एक्शन, बहुत आला, बहुत आला। तालियां बनती हैं इसमें। I am a gracious student. Jack Benson. Oh,
मिनट के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा आपको, आइए तरह एक शॉट बनाया हमारा, हम लोग दुबई से आए अभी। अच्छा जी, अब ये जो लास्ट सवाल है, क्योंकि तकरीबन आप दोनों ने मतलब तकरीबन क्या दो दो सवाल के सही जवाब दिए, हमारा एक एक्यूरेट लगा है, बिल्कुल बिल्कुल टपाक, बिल्कुल टपाक कर गया टपाक। अब देखते हैं विनर कौन है। डेंटिंग जिंग टेक डैम पकड़। अच्छा जी, कितने फीसद लोग पाकिस्तान में रेंट पर रहते हैं? 50 से 100 के दरमियान आप जवाब दे रहे। पाकिस्तान में कितने फीसद लोग रेंट पर रहते हैं? 50 से 70 100 50 से 100 70 सत्तर साठ। देखिए जी स्क्रीन पे, कम ऑन। यस यस, I am a disco dancer. Pa 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 da. 70 70 70 Sattar 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 Sattar. और इसके साथ यासरा विनर हो चुकी हैं। यासरा कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, तो फिर आइए दूसरी फिल्म बाजी करें। पूरा पूरा करना। बेहतरीन यासरा, मतलब इतने इतने सारे बेटों का क्या करोगे भाई आप? यार हमने मिला लिए, तकरीबन मिला लिए, और अब हम कोई काम मिलके भी करेंगे। हाँ, अब हमने मिला लिए। जगन मोर लागे सजना सर लाल, जगन मोर लागे सजना सर लाल। आदाब नदीम साहब, कैसे मजा आ रहे हैं आप? करम मौला, क्या आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये मतलब कहाँ से आ गए? चलते हुए शो चल रहा है, लाइव है, आप ऐसे चल के आज भी कमाल करते हैं। दोस्त हमारे होकर, दोस्त हमारे नदीम साहब को बुला लिया मेहमान। आप आ जाएं, बड़े सिंगरों का कहाँ कदर है जी। आप क्या करते हैं? 40 साल से नाम है जी। किसका? आपका? जी हाँ। कहाँ नाम है? मतलब जो मेरी दादी ने रखा आज तक वही है। खान साहब, आलू खान। आलू खान, अबे खान साहब तबला तो साथ लेके घूम रहे हो आप? जी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, मैं इंडिया के फनकारों से बड़ा तपता हूँ जी। अच्छा, क्यों? यो हानी से खास कर। अच्छा, मेरे गाने इस तरह के गाते हैं? मेरे गाने सारे उसने गाए जी। मेरा गाना क्लासिकल था जो। अच्छा, उसने गा दिया वो। ओहो, वो चार बोतल वोडका था? नहीं नहीं, वो दूसरा गाना जो है। कौन सा? आज बिलू है पानी पानी। अच्छा, आज बिलू है पानी पानी, और दिन भी है सा निशानी जानी। आज बिलू है पानी बाबा, और दिन भी है जानी इजानी। आ जा यारा बीच, बस फोटू मेरा खींच है आज। सॉरी यार, वो असल में बराबर में पागल खाना है ना, तो कोई ना कोई रोज इस तरह आ जाता है। लेकिन यार बाकी मुझे लगता है इन्हीं की चोरी की। हाँ, ये मुझे जिस तरह इन्होंने गाया आज ब्लू है पानी पानी, इतनी अजीम शायरी है। हाँ, इतनी अजीम शायरी। अच्छा, दूसरा इसका जो दूसरा गाना है वो भी माशाल्लाह मतलब फुल दिल से इन्होंने गाया था वो ना, वो यहाँ चार बोतल आला शायरी है कि इंसान सोचता है क्या काम हो रहा है। नदी भाई, लेकिन गाने जो आप गाते हैं ना वो कोई और नहीं गा सकता। जो कि हम सुनेंगे भी। और मेरे ख्याल से अब शो का टाइम चूंकि बहुत
कम होता है, पता नहीं इतने अच्छे से गेस्ट आते हैं, सिर्फ एक ही से बात करने का मौका मिलता है। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ टर्की माय फ्रेंड। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, लेकिन एक मिनट जाने से पहले हम नदीम भाई का एक सॉन्ग सुनेंगे, क्या ख्याल है? ओके आइए। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी गहरी आंखें, इनमें कोई राज है गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी गहरी आंखें, इनमें कोई राज है गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सांसों हरा सांसों में जिसकी है महका, ढूंढा हर ढूंढा उस दिल ने कितनी बार, सांसों में जिसकी है महका, ढूंढा अरे ढूंढा उसे दिल ने कितनी। तो मेरा ख्वाब है कभी तो आन मिलेगा, तो मेरे प्यार का तू ही इकरार करेगा। सितारों से बहारों से खुशी से होके दीवाना, या यो यो या यो यो या यो यो या यो यो। ख्यालों पर छाए खूबसूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली तू की बोली वाली सी, रहती है वो दूर कहीं, पता पता मालूम नहीं। नारी रा ओरी रारी रा ओरी रारी रा ओरी रारी रा, जिया गाए तारा रा रा रम, गोरी नाचे चम चम चम, तारा दे रे ना ता दे रे ना ता दे रे ना, जिया गाए